Hey guys, welcome back to my channel. And now we discuss fourth unit. And fourth unit is all about employees welfare and laws related to employee welfare. So what is employee welfare? Anything done for the intellectual, physical, morale and economic betterment of the workers, whether by employer, by government or by other agencies. Employee welfare ke liye चाहे वो एम्प्लॉयर के थ्रू हो, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो या फिर किसी अदर एजेंसीज के थ्रू हो, कुछ भी ऐसा जो एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए हो इज कॉल्ड एम्प्लॉय वेलफेयर. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हेल्प्स टू इम्प्रूव. ये हेल्प करता है इम्प्रूव करने में एम्प्लॉयज़ के मोरल को, रिड्यूस लेबर टर्नओवर, हेल्प्स टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन, इम्प्रूव गुडविल, हेल्प्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, बूस्ट मोरल. एजेंसीज ऑफ वेलफेयर एम्प्लॉयज, कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो एम्प्लॉय वेलफेयर में इंक्लूडेड होती है? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हेल्थ सेफ्टी प्रोविजंस बनाने में हेल्प करता है. स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर खुद, ट्रेड यूनियन एंड अदर एजेंसीज जैसे सोशल वर्कर्स हो गए, वो अगर एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये कुछ एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं एम्प्लॉय वेलफेयर में. उसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक, लॉज रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशंस. तो कुछ लॉज हैं जो कि वर्किंग कंडीशंस रिलेट होते हैं. सबसे पहले आता है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948. ये क्या कहता है? इट वाज डिजाइन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड टू प्रोवाइड मेजर फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर. ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया था चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो चाइल्ड लेबर ना हो और जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते थे उनकी और हेल्थ और सेफ्टी के लिए. पहले क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखी जाती थी कि एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं तो ठीक है, उनकी हेल्थ सेफ्टी, चाइल्ड लेबर काम कर रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. बट फैक्ट्रीज एक्ट आने के बाद ये चीज़ प्रॉपरली मेंशन कर दी गई थी कि चाइल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगी और हेल्थ एंड सेफ्टी पर पूरा ध्यान दिया जाएगा. जब ये आया था तो 100 और मोर वर्कर्स के लिए ही ये एक्ट अप्लाई होता था, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं तो. लेकिन अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 50 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं तो भी ये एक्ट अप्लाई होगा. इट इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करता है ये एक्ट? हेल्थ में क्लीननेस, डस्ट, लाइटिंग वगैरह, सेफ्टी में ग्लव्स, क्लॉथ्स, अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इन चीज़ों की नीडेड है तो ये सारी चीज़ें, वेलफेयर, वर्किंग आवर्स, एनुअल लीव विद वेजेस, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड होती है. अब नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या कहता है? इट प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर प्रेगनेंसी एंड एंटाइटल हर फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स. मैटरनिटी बेनिफिट बेसिकली उन वुमेंस के लिए बनाया गया था जो प्रेगनेंट हैं और उस वजह जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएंगी या कुछ टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ेगा, तो उनके बेनिफिट्स को देख के मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया था. मैटरनिटी एक्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, कब कब ये एलिजिबल होगा? मस्ट वर्क 80 डेज इन 12 मंथ बिफोर हर डेट ऑफ डिलीवरी. वो वोमेन वो अगर साल में मतलब 80 दिन उसको काम करने चाहिए अपने डिलीवरी डेट से पहले पूरे 12 महीने के अंदर, तब वो एलिजिबल होगी अपना मैटरनिटी बेनिफिट उठाने के लिए. या फिर अर्निंग लेस देन 15,000, अगर वो 15,000 से कम अर्न करती है तो वो ये बेनिफिट तो नहीं उठा पाएगी. लेकिन ESI के द्वारा एक स्कीम आई है, उसमें ये मैटरनिटी बेनिफिट है तो वो उसमें ये एलिजिबल हो पाएगी कि ये प्रॉपर मैटरनिटी बेनिफिट नहीं उठा पाएगी अगर वो 15,000 से कम उसकी सैलरी है तो. क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं एम्प्लॉयज़ की? जो एम्प्लॉय प्रेगनेंट है, जो वुमेन प्रेगनेंट है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है मैटरनिटी एक्ट के अंदर अगर उसको अवेल करना है तो. ये 10 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट शी में आस्क एम्प्लॉयर टू गिव लाइट वर्क. 10 वीक पहले अगर वो वुमेन चाहे तो अपने एम्प्लॉयर को बोल सकती है कि उसको कम लोड दे वर्क का. शुड इंटीमेट द एम्प्लॉयर इवन 7 वीक बिफोर हर डिलीवरी डेट अबाउट द लीव पेड. पहले ही अगर वो बता दे, 7 वीक पहले ही वो इन्फॉर्म कर दे तो ये बेटर होगा उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स अवेल करने के लिए. नेम द पर्सन टू होम द पेमेंट विल बी मेड इन केस शी कैन नॉट टेक. अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि वो अपने मैटरनिटी बेनिफिट खुद से नहीं ले पा रही है, बीमार हो गया, कुछ भी XYZ रीज़न आफ्टर द डिलीवरी, तो वो उस पर्सन का नाम पहले ही मैंशन कर दे जो वो उसके बेनिफिट, जो उसका मनी है वो ले सकता है. कैश बेनिफिट्स, क्या क्या कैश बेनिफिट्स होते हैं मैटरनिटी बेनिफिट्स में? 84 डेज लीव पे मिलती है, उसमें 84 डेज का लीव तो मिलती है, साथ में उसका पे भी मिलता है, उसको हम चाहे बिफोर
डिलीवरी लेना चाहे चाहे आफ्टर डिलीवरी लेना चाहे। मेडिकल बोनस मिलता है 1000 रुपये का पे फॉर 6 वीक्स, 6 वीक्स का पे भी मिलता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ और बिफोर चाइल्ड बर्थ, ये 48 आवर्स के अंदर अवेल करवाना पड़ता है। एडिशनल लीव ऑफ 1 मंथ इन केस ऑफ इलनेस, अगर वोमेन इल हो गई है आफ्टर डिलीवरी तो 1 मंथ का इलनेस पीरियड भी उसको मिल जाता है, लेकिन इसके लिए उसको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर मिसकैरेज हो गया तो इस केस में 6 वीक लीव उसको पे विद पे मिलती है। सिमिलर कुछ नॉन कैश बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे लाइट वर्क मैंने आपको पहले मेंशन किया था, और 2 15 मिनट्स ब्रेक भी दिए जाते हैं अदर ब्रेक्स के टाइम पे पर डे में। जो वो कब तक दिए जाते हैं, जब तक बेबी 15 मंथ का नहीं हो जाता। उसमें आप कोई भी, अगर आपको स्नैक्स खाना है या फिर कुछ भी रेस्ट करना है, तो 15 15 मिनट के 2 ब्रेक ऑल्सो दिए जाते हैं। अब VRS स्कीम क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक है ये। VRS स्कीम होती है हमारी वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। नाम से ही समझ आ रहा है कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट मतलब कि खुद से या वॉलेंट्री से अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले रहे हैं। इट इज़ अ स्कीम वेयर एम्प्लॉयज आर ऑफर टू फ्रॉम देयर सर्विस बिफोर द रिटायरमेंट डाटा। मतलब इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पहले ही अपना वॉलेंटियर रिटायरमेंट करवा लेते हैं बिफोर उनके रिटायरमेंट डेट से पहले ही। इट वरीज कंपनीज टू कंपनीज, ये हर कंपनी का अलग अलग होता है कौन कौन एलिजिबल होता है इस स्कीम को लेने के लिए। वर्कर मस्ट हैव वर्क फॉर मिनिमम 10 ईयर्स एंड 40 ईयर्स एज, उसकी 40 ईयर्स एज हो और वो कम से कम 10 साल उसने कंपनी में काम किया हो। वर्कर नॉट कंप्लाइंग दिस स्टिल कैन अप्लाई बट नॉट गेट टैक्स एग्जम्पशन। जो इसको अलाइव नहीं कर सकते, ले नहीं सकते हैं, अगर उसको मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें हमारे जो रिटायरमेंट स्कीम होता है इसमें टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, लेकिन अगर तुम एलिजिबल नहीं हो और तुम फिर भी अप्लाई करो तो तुम्हें कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। क्या रीजंस होते हैं कंपनी के कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम लॉन्च की जाती है, या तो रिसेशन में जा रहा है बिजनेस, या डाउनसाइजिंग हो रहा है बिजनेस डाउन जा रहा है, या जॉइंट किसी फॉरेन इंडस्ट्री से हमने ज्वाइन कर दिया है और वो लोग हमें कोई नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जिसकी वजह से हमें एम्प्लॉयज़ की नीड कम हो गई है तो हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम करते हैं, या फिर किसी और ने हमें टेक ओवर या मर्जर कर लिया है तो हम ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या कहता है, इन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी वर्कर आर ट्रीटेड एज रिस्पॉन्सिबल पार्टनर ऑफ द इंटरप्राइज एंड आर अलाउडेड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को राइट दिया जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ताकि वो जो बिजनेस से डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सके। इसमें कौन कौन से डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, वेज, वेकेशन, वर्क रूल, प्लान क्लोजिंग एंड एक्सपेंशन। क्या मैरिट्स होती हैं, कि इट मोटिवेट वर्कर, स्टेटस ऑफ वर्कर को बढ़ाता है, स्टेटस बढ़ाता है वर्कर्स का, ट्राइज टू बेटर एफर्ट, डिवाइस टू काउंटर बैलेंस, एक तरह से बैलेंस बना के चलता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का और ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, नाम से ही समझ आ रहा है कि वर्कर का क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। इट रेफर्स टू द मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन इन अ ग्रुप सिचुएशन विच इनकरेज हिम टू कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रुप गोल्स एंड शेयर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अचीविंग दैम। इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्कर्स, प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इंकरेज गुड कम्युनिकेशंस। अब कुछ लॉज होते हैं, लॉज गवर्निंग वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, जो मैंने पहले लॉज बताए थे उनसे अलग कुछ और लॉज भी होते हैं, जैसे प्लांटेशन एक्ट 1951 हो गया, माइंस एक्ट 1951 हो गया। ये बहुत बड़े बड़े हैं, मैं आपको इस जस्ट सिंपल वे में समझा रही हूँ कि इनमें बेसिकली होता क्या है। प्लांटेशन एक्ट 1951 में वो ये देखते हैं कि कैंटीन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है, वाटर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं। और माइंस एक्ट में जैसे शेल्टर्स, अगर एम्प्लॉयज़ कहीं बाहर से आया हुआ है तो उसको प्रॉपर शेल्टर और प्रॉपर खाने की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 4 एंड होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन।